आईपीएल में आए दिन कोई ना कोई फैन कैमरे में कैद हो ही जाता है, चाहे फिर वो अपने फेवरेट खिलाड़ी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे या फिर किसी फैन गर्ल द्वारा पसंदीदा खिलाड़ी को प्रपोज करना हो। आईपीएल मैच में ये सब अब आम बात हो गई है। ऐसा ही कुछ आईपीएल के 30वें मुकाबले में भी देखने को मिला, जब राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था, तो उस दौरान एक लड़की ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। श्रेयस अय्यर की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सोमवार को खेले गए मुकाबले में भी देखने को मिला। श्रेयस अय्यर की फैन की ये तस्वीर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की है, जिसमें लड़की हाथों में एक बोर्ड पकड़े खड़ी हुई है और जिसमें ये लिखा है कि मेरी माँ ने मुझे एक लड़का खोजने के लिए कहा है, तो क्या श्रेयस अय्यर आप मुझसे शादी करेंगे। हालांकि जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो ये फैन भी बाकी सभी फैन की तरह वायरल हो गई और केकेआर द्वारा किए गए इस ट्वीट को लोगों ने खूब पसंद किया और इस फैन गर्ल को लगातार शेयर किया। हालांकि मैच के बाद इस फैन गर्ल का दिल जरूर टूटा होगा, क्योंकि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से शिकस्त दी। लेकिन इस मैच में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जहां उन्होंने 51 गेंदों का सामना करते हुए 85 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी वो अपनी टीम को जीत ना दिला सके। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।